जल्द ही प्रांत के अंदर सैनिकों के सम्मान के लिए सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। यह बात नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद शौर्य स्थल पहुंचकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान वृक्षारोपण किया और कहा कि जवानों ने देश को सुरक्षित रखने के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि सैनिक को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जल्द ही उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाया जाएगा, साथ ही सितंबर से पूरे प्रांत में सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। जो हम यहाँ पर बार मेमोरियल पर आए हैं, यहाँ पर अभी तरुण जी ने कुछ हमको बताया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी क्या उसमें हो सकता है, कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा मैंने उसके बारे में देखा नहीं। कांवड़ को लेकर ये जो कांवड़ बना है, ये भी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बना है। कांवड़ को लेकर जो है, हम लोग आज शाम को मैंने उसकी बैठक रखी हुई है और दो बार योगी आदित्यनाथ जी से मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में, और दोनों राज्यों में और बल्कि हरियाणा भी उसमें शामिल है। हमारा तीन राज्य उसमें सीधे सीधे शामिल हैं और हम किसी तरह से भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा को कतई भी जो है कम नहीं होने देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं, जो चीजें हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों चीजों के बीच में से रास्ता निकालने का काम करेंगे या जल पहुंचाएंगे पिछले साल नहीं, वो अभी हम अभी आज उसके लिए बैठक करने वाले हैं, उस बैठक के बाद ही जो है उसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बीजेपी ये कह चुके हैं कि प्रतिबंध होगा, कोई भी प्रवेश नहीं करने देंगे हम प्रदेश में। मैंने कहा कि आज डीजीपी भी आएंगे, होम सेक्रेटरी भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, सब होंगे, उसके बाद तय करेंगे। धन्यवाद।